नमस्कार, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली पनीर, जो बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं। चिली पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक कटा हुआ एक प्याज, थोड़ी सी धनिया पत्ती, शिमला मिर्च एक स्क्वायर शेप में कटी हुई, एक प्याज स्क्वायर शेप में कटी हुई, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक कटोरी हमने तेल लिया है, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं जो आप खाते हैं, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, नमक एक चम्मच, आप स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, 150 ग्राम मैंने पनीर लिया है, एक कटोरी आप टमाटर प्यूरी ली है, एक चम्मच वेनेगर, एक चम्मच सोया सॉस और एक चम्मच मैंने टमाटो केचप लिया है। अभी कढ़ाई लेंगे, उसको गर्म होने पर एक चम्मच तेल डालेंगे, अब उसमें शिमला मिर्च और प्याज जो स्क्वायर शेप में काटे थे उनको भून लेंगे। इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे और हल्का सा ब्राउन होने पे इसे निकाल लेंगे। अभी हल्का सा ब्राउन हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे। अब इसी पैन में एक चम्मच ऑयल और फिर से डालेंगे और इसमें पनीर को फ्राई कर लेंगे। पनीर को भी हल्का सा ब्राउन होने पे निकाल लेंगे। हमारा पनीर भी ब्राउन हो गया है, हल्का सा ब्राउन हो गया, इसको भी निकाल लेंगे। अब उसी पैन में ही थोड़ा सा तेल डालेंगे, दो चम्मच के करीब तेल डालेंगे और इसको गर्म होने देंगे। ये गर्म हो चुका है, अब इसमें हरी मिर्च, प्याज डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे, हल्का सा ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे। ये देखिए हल्का सा ब्राउन हो गया है, थोड़ा गल भी चुका है, अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, अब इसे भी थोड़ा अच्छे से भून लेंगे। इसे बीच बीच में हिलाते रहेंगे। देखिए प्याज भून चुका है, लहसुन भून चुका है, अब इसमें टमाटो प्यूरी डाल देंगे। इसमें नमक डाल देंगे जो कि टमाटर को अच्छे से गला देगा। और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, टमाटर पक जाएगा, पकने से तेल ऊपर आ जाएगा, टमाटर अलग हो जाएगा। दो मिनट में देखिए ये गल चुका है और इसका ऑयल भी अलग हो चुका है। अब इसमें मसाले डालेंगे, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च, अब इसे अच्छे से पका लेंगे। इसको भी कम से कम आंच पे
दो मिनट तक पकाना है। देखिए दो मिनट बाद ही मसाला अच्छे से भून चुका है। अब इसमें भुनी हुई सब्जियां डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। फ्लेम को कम ही रखना है। अब इसको दो मिनट के लिए कम ही आंच पे ढक के रख देंगे, जिससे पनीर में मसाला और सब्जियों में मसाला अच्छे से मिल जाए। एक मिनट बाद इसे चेक कर लेंगे कि कहीं मसाला नीचे चिपका तो नहीं है, और उसको अच्छे से चला के फिर से एक मिनट के लिए ढक के रख देंगे। एक मिनट बाद देख लेंगे इसे। देखिए ये हो गया है। अब इसमें सोया सॉस, विनेगर और टमाटो सॉस डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको दो मिनट के लिए मीडियम कम आंच पे ही रखिए, कम आंच पे रख देंगे ढक के। दो मिनट बाद इसे देखेंगे। देखिए अच्छे से हो चुका है, ये बन के रेडी है। और इसमें धनिया डाल देंगे। धनिया डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रेडी है। अब इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। देखिए बनके तैयार है। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं, और ये बहुत ही जल्दी बनने वाली डिश है। तो ये थी चिली पनीर की रेसिपी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।